नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका यूज मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में किया जाता है। इसका यूज ज्यादातर यंग एज और ओल्ड एज में किया जाता है। गलत संगति के कारण, गलत आदतों के कारण, ज्यादा मास्टरबेशन के कारण जब पेशेंट्स के पेनिस में पूरी तरह से शिथिलता आ जाती है, पूरी तरह से कड़कपन नहीं आता, प्रॉपर तरीका से इरेक्शन नहीं आते, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कैलेडियम सेंग मेडिसिन का यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैलेडियम सेंग पुरुषों के लिए एक तरह से अमृत के समान है, पुरुषों के लिए एक तरह से वरदान के समान है और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का यूज मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेडियम सेंग मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, कैलेडियम सेंग कब तक आपको रेगुलरली इस मेडिसिन का यूज करना है और भी किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है, कब किस समय किस पोटेंसी का हम रिपीटेशन बार बार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कैलेडियम का जो पेशेंट्स होता है उसके मन के विचार किस तरह से होते हैं और क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे कैलेडियम सेंग के पेशेंट में, तो हमें मेडिसिन पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों कैलेडियम सेंग का जो पेशेंट्स होता है, अत्यधिक भुलक्कड़पन का देखने को मिलता है। जब भी कोई भी काम करता है तो काम को वहां भूल जाता है। एक बार काम किया उसने, जैसे आपने दरवाजा बंद किया और दरवाजा को बंद करने के बाद आप भूल जाते हैं और फिर से चेक करने जाते हैं कि मैंने दरवाजा बंद किया है या नहीं किया है। इस तरह के लक्षण हमें कैलेडियम के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने ताला बंद किया, ताला बंद करने के बाद आप फिर से रिकंटिन्यू जाते हैं और चेक करते हैं कि ताला बंद हुआ है या नहीं हुआ है। यह कैलेडियम पेशेंट्स में लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कैलेडियम का जो पेशेंट्स होता है उसे मीठा पसीना आता है। जब भी उसे मीठा पसीना आता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। यह कैलेडियम का लक्षण हमें देखने को मिलता है। कैलेडियम का जो पेशेंट्स होता है उसे पेनिस में प्रॉपर तरीका कड़कपन नहीं आता, प्रॉपर तरीका से उसे इरेक्शन नहीं आती। जब भी बाहर रात में सोता है तो उसे कड़कपन आता है और जब भी बाहर नींद में सोता है तो कड़कपन आता है और जैसे ही सोके उठता है तो उसका जो कड़कपन होता है प्रॉपर तरीका से देखने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। इरेक्शन प्रॉपर तरीका से बिल्कुल भी नहीं आती। करना सब कुछ चाहता है पर कर कुछ नहीं पाता, इज द बेलमार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस कैलेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब भी आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं, परफॉर्मेंस करने से पहले आपकी इच्छा बहुत होती है कि हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए। कैलेडियम का जो पेशेंट्स होता है उसके मन में विचार बहुत आते हैं परफॉर्मेंस करने के, अंदर से इच्छा बहुत होती है परफॉर्मेंस करने की, जागरूक इच्छा बहुत ज्यादा होती है, पर शुरुआत में उन्होंने जो गलती की है, मास्टरबेशन किया है, जो गलतियां उन्होंने की है उनके कारण पेनिस में प्रॉपर तरीका से इरेक्शन नहीं आती, कड़कपन नहीं आता और जब परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो उनमें कड़कपन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण बहुत नापसंद, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कैलेडियम मेडिसिन का यूज करना चाहिए। यदि आप प्रॉपर तरीका से कैलेडियम मेडिसिन यूज करते हैं तो आपकी यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कैलेडियम का जो मेंटल सिम्टम की मैं आपको बात करूं तो कैलेडियम का जो पेशेंट्स होता है बार बार उसके विचार बार बार मन में आया करते हैं कि सेक्सुअल थॉट उसके बार बार मन में आया करते हैं। जब बाहर बैठता है तो किसी लड़की को बार बार देखा करता है, लड़कियां बार बार आते जाते रहती है और महिलाओं के बारे में बार बार उसके मन में विचार आते रहते हैं, मास्टरबेशन के विचार उसके मन में आते रहते हैं, तो कैलेडियम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है पेशेंट के पेनिस में पूरी तरह से शिथिलता आ जाती है। जब भी वह किसी स्त्री से बात करते हैं तो उसके पेनिस से हल्का हल्का सा सिक्रेशन होते रहता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कैलेडियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। तीन मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। पहले नंबर पे आती है सेलेनियम, दूसरे नंबर पे आती है एसिड फॉस और तीसरे नंबर पे आती है पिक्रिक एसिड। इन तीन मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। इन लक्षणों में इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है स्त्रियों की जननांग में बहुत ज्यादा खुजली होना।
जब स्त्रियों में यह बहुत ही अच्छा काम करती है, जब वह गर्भ अवस्था में होती है और उनके स्त्रियों की जननांगों में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कैलेडियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करती है। जो भी मेल्स हैं वह बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान की आदत को छुटाने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है लीडमपाल। लीडमपाल बिस्की की आदत को छुटाने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप कैलेडियम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दिन में एक ही बार किया जाता है। रेगुलर कम से कम 25 से 30 दिन तक इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में आपको इस मेडिसिन का यूज किया करना है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को, कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वन एम पोटेंसी। वन एम पोटेंसी में भी यह काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीव में आपको लेना है। सप्ताह में 1 डोज लेना है। महीने में 4 डोज आपको लेना है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 3 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जा रही है, जैसी मैंने आपको बता दी है। पहले नंबर पे आती है सेलेनियम, दूसरे नंबर पे आती है एसिड फॉस और तीसरे नंबर पे आती है पिक्रिक एसिड। 3 मेडिसिन के साथ तुलना करके आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे और काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आप काफी लंबे समय से किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मेरी पूरी जानकारी दी गई है। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।